नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने घरों में जो डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो किस तरीके से लगाना चाहिए डोर फ्रेम को, विंडो फ्रेम को, जिससे कि कभी भी फ्यूचर में आप सभी को प्रॉब्लम ना हो, डोर विंडो फ्रेम कभी हिलेंगे नहीं, और कैसे उनकी फिनिशिंग अच्छी मिलेगी, लुकिंग हमको अच्छा मिलेगा, किस टाइप का लगाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज सभी को हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे आप सभी देखते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में डोर और विंडो किस तरीके से लगाए जाते हैं, तो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी उसमें देखने को मिलते हैं। तो आइए आपको सभी सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर विंडो के लिए ये जहाँ पे विंडो लाना है वहाँ पे हमने स्पेस छोड़ रखा है पहले ही। देखिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सबसे पहले आप सभी को पता है कि कॉलम और बीम और स्लैब की इनकी कास्टिंग होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है, बीम की कास्टिंग हो चुकी है और स्लैब भी हो चुका है, उसके बाद में पार्टीशन वाल किए जाते हैं। तो देखिए, पार्टीशन वाल किया गया है, पार्टीशन वाल में ही जो हमें विंडो लेना होता है उस साइज़ का विंडो यहाँ पर छोड़ते जाते हैं। तो देखिए, विंडो देने से पहले हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि विंडो का हाइट हमें कितना लेना है फ्लोर लेवल से, वो चीज़, और जिससे कि हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे। और विंडो के ऊपर में आप सभी ये देख रहे हैं, एक लिंटल हमको देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ऊपर का लोड होता है वो इस लिंटल पे आ सके और हमारे जो फ्रेम होते हैं उन पे कोई लोड ना आए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम लगाते टाइम हमें ये चीज़ ध्यान देना है। आगे आप देख सकते हैं, ये डोर फ्रेम है, डोर के लिए यहाँ पर डोर आएगा, इसके लिए भी यहाँ पर देखिए लिंटल प्रोवाइड किया गया है। तो गाइस, आइए आप सभी को दिखाते हैं कि किस तरीके से इनका यूज यहाँ करना है। देखिए, जितने भी डोर लगे हैं सब में यहाँ पे डोर फ्रेम के ऊपर लिंटल प्रोवाइड किया गया है। इसका रीजन क्या है ये हम आप सभी को बता चुके हैं। अच्छा, देखिए, ये पहले कॉलम और बीम को कास्ट कर लिया गया है, उसके बाद में ये देखिए वाल को, वाल की चुनाई की गई है, और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे देखिए फिनिश किया गया है, ऊपर ले जा करके टच किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप अपना घर बनाते हैं तो उनमें ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इंजीनियरिंग तरीका जो आपको देखने को मिलता है बड़े बड़े बिल्डिंगों में। और यहाँ पर जब हम डोर फ्रेम लगाते हैं गाइस, तो आप देख सकते हैं ये डोर फ्रेम यहाँ पर लिंटल के ऊपर वाल किया गया है, उसके ऊपर में हमारा बीम है, और डोर फ्रेम यहाँ पे देखिए नीचे इस तरीके से कुछ फिक्स किया गया है। इनको फिक्स करते हुए हमें क्या चीज़ों का ध्यान देना है गाइस, उन चीज़ों को भी आप सभी को बताते हैं। तो इनको फिक्स करते टाइम देखिए, हमको तीन जगहों से अपने फ्रेम को कंक्रीट से बांधना है। कैसे, यहाँ पे देखिए नीचे जहाँ पे हमको हुक लगाना है वहाँ पर कॉन्क्रीट से इस तरीके से बीच में और टॉप पे तो हमारा होता ही है, इस तरीके से हमें इनको फिक्स करना है। और फिक्स करते टाइम सबसे ज़रूरी चीज़ जो देखना है गाइस, कि हमारा जो फ्रेम है उसका लेवल सेम होना चाहिए, हमको लेवल चेक करना चाहिए। तो लेवल कैसे, आप स्पीड लेवल से इसके यहाँ पे लगा करके और इसका लेवल चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो डोर होता है इस फ्रेम पर प्रॉपर बैठे, कोई गैप ना रहे और कहीं पे फंसे ना। तो दोनों तरफ हमको लेवल और जो भी हमारा डोर का डायमेंशन है वो 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट जो भी आप डोर लगाते हैं अलग अलग स्पेस पे, उनके डायमेंशन और उनके लेवल चेक करने के बाद में ही इनको फिक्स करना चाहिए। और फिक्स करते टाइम बीच में हमें यहाँ पे कुछ लगा देना चाहिए लकड़ी का, जिससे कि अपने डायमेंशन को बिल्कुल भी ना छोड़े, फिक्स हो जाए, उसके बाद उसको हटा सकते हैं। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है गाइस अपने डोर को फिक्स करते टाइम, कि उसका स्पीड और उसका लेवल, यानी स्पीड लेवल और उसका डायमेंशन, ये चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान देना है, जिससे कि हमारा जो डोर हो वो एकदम बराबर से बैठे, उसमें कहीं फंसे ना। जो लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं उनका डोर कहीं ना कहीं फंसता है बीच में, तो वो प्रॉब्लम होता है, फिर आप वहाँ पर फ्रेम को कट करते हैं, छीलते हैं, जिससे कि देखने में भी ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये देख सकते हैं गाइस कि किस तरीके से यहाँ पे ये सारे डोर को फिक्स कर दिया गया है। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है आप सभी को। इसी तरीके से विंडो में भी हमें विंडो फ्रेम भी फिक्स करते टाइम हमको उनके
लेबल और उनके डायमेंशन का ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे विंडो फ्रेम कहीं पे टच ना हो, जिससे आराम से विंडो खुल सके। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है गाइस हम अपने डोर और विंडो को फिक्स करते टाइम। तो इस वीडियो में हम आपको डोर विंडो के बारे में बताएं, अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।